दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णा बहुत है, बहुत कुछ पाने की चाह जिसके अंदर है वो दरिद्र है। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, उनको रास्ते में एक फूटी हुई कौड़ी पड़ी मिल गई और वो फूटी हुई कौड़ी उन्हें उठा ली। किसी ने पूछा कि अरे तुम महात्मा हो, फूटी कौड़ी का क्या करोगे? बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो उसको दे दूंगा। अब वो उसको रखे रहे। एक बार वो रास्ते में थे और लोगों ने कहा कि हटो हटो, पीछे से राजा की सवारी आ रही है, राजा की सेना आ रही है। उन्होंने पूछा कौन सा राजा है? बोले पूर्व देश का राजा है। कहां जा रहा है? बोले पश्चिम पर आक्रमण करने जा रहा है। क्यों? बोले वहां के राजा को जीतकर उसका धन छीन लेगा, उसका राज्य छीन लेगा। तो महात्मा ने पूछा क्या उनके पास अपना राज्य नहीं है? बोले अपना राज्य तो राजा के पास है, तब तो राजा है, लेकिन वो पश्चिम के राजा को जीतकर उसका राज्य भी अपने में मिलाना चाहता है। बोले मिल गया। और जैसे ही वो राजा पास में आया तो महात्मा ने कहा कि जरा हाथ आगे करो, और हाथ आगे किया तो फूटी हुई कौड़ी राजा के हाथ में महात्मा ने रख दी। राजा ने पूछा कि ये क्या है? बोले मैंने तुमसे बड़ा कोई भी दरिद्र नहीं देखा। इतने बड़े राज्य के तुम जो है राजा हो, इतने बड़े राज्य के मालिक हो, और उसके बावजूद भी तुम दूसरे राजा पर चढ़ाई करके नरसंहार करने जा रहे हो, लोगों को मारने काटने जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। दरिद्र कौन है? कि बहुत धन होने के बावजूद भी जिसके मन में संतोष नहीं है और धन के लिए भाग रहा है, दिन रात लगा हुआ है, वो दरिद्र है भैया। और जिसके अंदर संतोष रूपी धन आ गया है वो तो परम संतोषवान जो व्यक्ति है वो बड़ा धनवान है। सुदामा जी के अंदर संतोष रूपी धन है।